नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पकवानों की जायका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो सभी को बहुत पसंद आएगा, चाहे छोटे हो बड़े हो, सभी को बहुत पसंद आएगा। आप अगर यदि पार्टी बना रही हैं तो आपकी पार्टी की शान बढ़ा देगा। इतनी टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं पनीर सिंघाड़ा बनाऊँगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने ब्रेड ले लिया है, 3-4 पीस ब्रेड ले लेंगे, उसको तोड़ देंगे, रफली तोड़िए। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किस तरह काटना, बस हम उसको तोड़ेंगे सारे ब्रेड को। ये थोड़ी सी टूटी हुई थी जो मैंने ख़रीदा, उसी समय ही ऐसे टूटी ब्रेड आ गई थी। एकदम ताज़ी ब्रेड है, एकदम सॉफ्ट है, तो तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो सारा तोड़ लिया, मिक्सी जार में इसको डाल देंगे सारा एक बार में, दबा दबा के भर दीजिए। ब्रेड एकदम सॉफ्ट है, तुरंत हो जाएगी, एक बार में ही पीस जाता है। अब इसको पीस के ब्रेड क्रम बना लेंगे। तो ये मेरा ब्रेड क्रम बन गया है, इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम ताज़ी ब्रेड है ना, तो इसलिए देखिए जम गया, तो उसको हाथ से छुड़ा के निकाल देंगे। अब इसको एक साइड में रख देंगे हम। ये 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसको कद्दूकस ही करिएगा, इसको हाथों से मत फोड़िएगा, क्योंकि इसमें आलू के एक भी मोटे मोटे जो आ जाते हैं, लम्स हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। इसलिए हमको ग्रेट ही करना है, इसको हाथों से ही वैसे से आलू में नहीं करना है, हमको ग्रेट ही करना है। तो चाहे महीन वाले से चाहे मोटे वाले से, किससे भी करिए, कि एकदम हमको सॉफ्ट आलू चाहिए। देखिए मैंने सारे आलू ग्रेट कर लिए। एक बड़ा प्याज को एकदम महीन महीन मैंने कट करा है, उसको डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे 2-3 छोटे छोटे पीस में कट करके। 1 चम्मच में रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच हमने वो डाला अमचूर पाउडर डाला, और 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर डाला है। इसको एकदम चटपटी तीखी बनेगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है। तो क्योंकि एकदम चटपटा स्नैक्स बनना चाहिए, इसलिए हमने चटपटा के सारे मसाले चटपटी डाले। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार होगा। तो इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले आलू अच्छे से पहले मिक्स हो जाएँ। को अच्छे से हमको मिक्स करना है। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, फैमिली फ्रेंड आस पड़ोस में सब जगह शेयर करिएगा। अब बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जब तक मेरा मैच हो रहा तब तक आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए सब मैंने मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। बस आपको आलू को अच्छे से सब मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो मिक्स, ये मैंने पनीर को 100 ग्राम पनीर था, 150 ग्राम पनीर है, उसको मैंने सिंगाड़ी के जैसे शेप होता है उस हिसाब से मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे ऊपर से, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे हम, क्योंकि पनीर में अपना कोई टेस्ट तो होता नहीं है। अब सारे पनीर को हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, अब थोड़ा सा रेड चिली पाउडर दूसरी साइड पर ही डालेंगे। अब थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, ये सब में पड़ गया, जिससे कि सब में अच्छे से मिल जाए। सिलर पलट के सब जगह लग जाएगा, तो थोड़ा सा नमक मिर्च नीचे बाउल में गिर गया था वो सब जगह मिल जाएगा ऐसे करने से। अब इसको एक साइड रख देंगे। अब एक बाउल में हम 3-4 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले मिक्स करेंगे, फिर हम उसका पतला घोल तैयार करेंगे।
पहले मिक्स कर लेंगे। एकदम से पानी डाल देंगे तो क्या होगा, लम्स हो जाएंगे, तो हमको पहले थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पहले हमको कॉर्नफ्लोर को घोलना है। सब तरफ से अच्छे से कर लिया, घोल लिया मैंने उसको, रख दिया एक साइड में। अब हम आलू लेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और आलू को हाथ में लेंगे, एकदम फ्लैट करेंगे, एकदम पतला पतली लेयर बनाएंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों में। पनीर का एक पीस लेंगे, उसको बीच में रखेंगे और चारों तरफ से पनीर को एकदम कवर कर देंगे, बहुत पतली लेयर से कवर करना है। हमको मोटे मोटे आलू के पीस नहीं लगाने हैं, एकदम बस चारों तरफ से पनीर को दिखाई नहीं देना चाहिए पनीर, तो चारों तरफ से हमको इसको कवर करना है आलू की पतली लेयर से। जहाँ आपको लग रहा है कि आलू नहीं है उसमें और लगा देंगे, और एक्स्ट्रा कहीं होगा तो हम उसको निकाल भी देंगे। पहले शेप बनाएंगे, सब तरफ से देखिए ढक गया, कहीं भी पनीर दिखाई नहीं दे रहा। हमको ऐसे बनाना है कि कहीं भी पनीर के पीस दिखाई नहीं देना चाहिए, एकदम पतली लेयर होनी चाहिए। अब शेप देखिए एकदम सही बना है। इसी तरह हम दूसरा लेंगे, एकदम पतली लेयर करेंगे, हाथों में एकदम चिकना मतलब फैला लेंगे दूर तक। फिर एक पनीर का पीस उठा के बीच में रखेंगे, ऐसे साइड से उठाते हुए यहाँ पनीर दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा और आलू लगा लेंगे। आलू की लेयर एकदम पतली होनी चाहिए, लेकिन बस पनीर ढक जाए इसलिए हमको चारों तरफ से अच्छे से लगाना है। देखिए ज़्यादा था, जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम निकाल देंगे। जहाँ भी लगे आपको आलू बहुत ज़्यादा मोटा है, लेयर मोटी हो गई, तो आप उसको कट करके हाथ से तोड़ के निकाल दीजिए। इसी तरह देखिए हमने सारा बना लिया। अब जो अपने कॉर्नफ्लोर का घोल, क्योंकि जम जाता है कॉर्नफ्लोर, तो आप घुमा लीजिए, उसके घोल में डिप करेंगे। अब ब्रेड क्रम में लपेट लेंगे, खूब अच्छे से लपेटेंगे चारों तरफ, पहले एक बार लगा लेंगे, फिर उसमें और ब्रेड क्रम डाल डाल के खूब अच्छे से लगाएंगे, उसको हाथों से शेप देंगे। देखिए कितने अच्छे से ब्रेड क्रम लग गया, मतलब लपेटेंगे उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा ऊपर से डाल के खूब हाथों से दबा के अच्छे से ब्रेड क्रम लगाएंगे, हर तरफ से कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए फिर ऊपर से ऐसे डाल के ऐसे दबा दबा के लगाएंगे। जितने अच्छे से ब्रेड क्रम लगेगा उतना अच्छा कुरकुरा एकदम बन के तैयार होगा, तो हमको ब्रेड क्रम खूब अच्छे से लगाना है। अभी अच्छे से शेप दे लीजिए सिंघाड़े का। इसी तरह हम सारा बना लेंगे, लेकिन सारे बना लिए, इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। ये फ्रीज़र से मैंने 15 मिनट बाद निकाला है, ऑयल को गर्म कर लिया था खूब। अब उसको गैस की फ्लेम, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम में हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप इसका सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा करिए। एक बार में जितना है उतना ही डालिएगा। मेरी कढ़ाई छोटी तो मैं 4 पीस डाली हूँ, क्योंकि पलटने में फिर दिक्कत होती है, तो एक साथ ज़्यादा से मत डाल दीजिएगा, ज़्यादा से डालने में, क्योंकि पीस बड़े रहेंगे तो पलटने में दिक्कत होगी। आपकी कढ़ाई बड़ी होगी तो आप ज़्यादा पीस डाल लीजिएगा, फिर भी इतना गैप रखिएगा कि जिससे कि हम पलट पलट सकें। एक साइड से जब थोड़ा हो जाए तब पलटेंगे इसको, 2-3 बार हमको प्लेट में हमको अच्छे से डीप फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम उसको फ्राई करेंगे।
बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार होता है, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। एक बार आप बना के देखिएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। अब मैं कितना ही बोलती हूँ आप लोगों की, प्लीज़ कमेंट करके बताया कि आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट करने में अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कैसी आप लोग रेसिपी देखना पसंद करते हैं, कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। तो देखिए ऐसे पलट पलट के हमको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब पनीर की रेसिपी सभी को बहुत पसंद आती है। इसको थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगता है। देखिए हो गया, हम इसको निकाल लेंगे, नैपकिन पेपर में निकालेंगे। एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होगा नैपकिन पेपर में सोख लेगा तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहेगा। डीप फ्राई वाली चीज़ें ज़्यादातर नैपकिन पेपर में निकालिए, नैपकिन पेपर में सही रहता है निकालना। सब मैंने निकाल लिया, अब फिर से मैं डालूँगी दूसरे जो बचा हुआ था। और जब आप डालिए तो गैस फ्लेम एकदम लो कर दिया करिए, क्योंकि तलते तलते क्या होता है ऑयल बहुत गर्म होता है, फिर आप डालेंगे तो तुरंत एक साइड का लाल होने लगेगा और तो अच्छे से कुरकुरा नहीं होगा, वो ऊपर की लेयर जलने लगती है। तो जब भी आप निकालिए, निकालते समय गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, निकाल लीजिए, लो ही रखिए, फिर डालिए, तब मीडियम कर दीजिए। तेज़ आँच पे कभी भी नहीं डीप फ्राई कर, एक साइड बहुत जल्दी लाल हो जाता है, अच्छे से कुरकुरा नहीं होता, जल जाता है लेयर ऊपर की। मैंने दो पीस और बचे थे तो वो भी डाल दिया था। चाय निकालिए, देखिए मैंने प्लेट में लगा दिया। अब इसको आप मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ, जितने शेजवान सॉस जो भी आपको पसंद हो सही। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप पार्टी बना के पार्टी शान हो जाएगी, बच्चे तो एकदम मांग मांग खाएंगे क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है पनीर की चीज़, ऐसे सभी पसंद आती है। तो इस बार ये पनीर सिंगाड़ा बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।